नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी वायरल हो रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, सभी जगह पे एक वीडियो काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रानिया ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ता आपस में झगड़ा हो गया उनका। ठीक, मैं उसी ऑफिस में खड़ा हूँ जहाँ का वो वीडियो बताया जा रहा है। ये सामने वही जगह है, वही सेम लोकेशन है। तो यहाँ पे वो वीडियो बताई जा रही है, उस साइड में जो लोग झगड़ रहे थे, लेकिन उस वीडियो की असली सच्चाई क्या है, चलिए एक बार उसकी सच्चाई जानने से पहले एक बार मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। हो गई धड़ाधड़, धड़ाधड़ हो गई। चलिए उस वीडियो को लेकर के यहाँ के जो संचालक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय संभालते हैं यहाँ पे रानिया में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी वायरल हो चुका है वो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वीडियो में कौन लोग थे? सर ऐसे है, वो बाहरी तत्व था कोई पूरा, वो यहाँ के मेरे को कहने भी आप खाना खाना है, मैंने उसको पर्ची बना के दे दी। वो खाना खा के वहाँ से वापस आ गए, आके और यहाँ ऐसे ही कहने लगे हम दानक समाज से हैं और हम दानक समाज से वोट मांगने जाएंगे पार्टी का, हमारे को कहा है किसी ने। मैं कहा जी आप जाइए फिर, ठीक है, दानक समाज के पास जाइए, जहाँ जाइए, महेंद्रपुरी जाइए। वो महेंद्रपुरी का वो था, मेरे को पता लगा वो महेंद्रपुरी का था वो, ठीक है, उस ना कभी पार्टी का था और ना कभी रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे आके यहाँ उद्दम मचा दिया हमारे एक कार्यकर्ता से। मैंने उनको हाथ जोड़ के बेनती की भाई मैं पुलिस बुला लूँगा, नहीं तो आप प्लीज़ आप ना जाइए, आप यहाँ ये उग्र किसी ने वायरल कर दी होगी फोटो, हमें तो पता नहीं है जी इसके बारे में। और वो बाहरी तत्व था जी महेंद्रपुरी का, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। झगड़ा किस बात को लेके हुआ था, किसके साथ झगड़ा हुआ था? झगड़ा जी वो ऐसे, वो हमारे कार्यकर्ता एक बैठा था तो उसको कहने लगा भी दानक समाज आपके गांव में है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो बाजीगर समाज से था, वो कहता भी आप हमारे गांव जाइए वोट मांगिए, हमें तो इसमें लेना देना नहीं है, हमारा कोई इसमें कोई मतलब नहीं, आप जाइए हमारे गांव में मांगिए। वो उसको धक्के से कहने लगा आप जाइए, वो कहता मैं कैसे जाऊँ, मैं तो दफ्तर में ड्यूटी है, यहाँ दफ्तरों का काम संभाल रहा हूँ। बस ये बात हुई है, जो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं, हमारी पार्टी का बिल्कुल कभी कार्यकर्ता था और ना ही वो कभी रहा। भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम खुराना बाहर फील्ड में कंपेनिंग करने के लिए गया हुआ था, जब मुझे पता लगा कि ये वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें कुछ ये अज्ञात मालूम होता है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है शरारती तत्व का काम है। हमारी जो जीत को देख के विपक्ष है या कोई भी है, नाम नहीं हम जानते किसने शरारत की है, तो लेकिन ये बुखलाट के देखते हुए ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दफ्तर में जो ऐसा कार्य किया गया ये एक शोभनीय कार्य नहीं है, दफ्तर में किसी के आके ऐसा करने वाले के सब उसकी हम जांच करवाना चाहते हैं और जो भी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जीत हमारी निश्चित है। हम तो लगभग अभी से ही हम अपनी जीत को मान चुके हैं, हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी लाखों तादादों की वोटों से जीत निश्चित हासिल होगी और हमारा कमल खिलेगा। इलेक्शन के टाइम ऐसे लोग करते हैं, कोई किसी की शरारत तो हो सकती है या कैसा भी, हम ना उन पर्सन सा हमें नहीं पता। वो खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, पानी पहले पानी पिलाया हमने। अभी आपने वो बताया कि वो महमदपुरिया से था, उसका बैकग्राउंड पता किया आपने? नहीं, कोई कह रहा था, जैसे कोई पर्सन आया वो उसको शायद चेहरे से पहचानता हो या कोई, वो कह रहा था कि ये हो सकता है कि महमदपुरिया का हो, पक्का नहीं है वो। हाँ शुक्रिया। तो यहाँ पे उस वीडियो के वायरल होने का पूरा सच क्या है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ऑफिस में जो रहते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया है कि कोई बाहरी शरारती तत्व था जिसने जानबूझ करके ये शरारत की और भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वो मजबूत स्थिति को, जो इनकी छवि को खराब करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। खैर, क्या सच है क्या झूठ है
ये तो अब जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वीडियो से जो है भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी जरूर हो रही है। कैमरा सहयोगी उम्मीद पारिक के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।